इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि जैसे मैंने एक पैराग्राफ बनाया हुआ है और मैं चाहता हूं कि जो मैंने पैराग्राफ लिखा है उसको कोई एडिट ना कर सके, तो उसके लिए हम इसमें पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक लाइन टाइप की, दिस इज माय फर्स्ट लाइन। अब मैं चाहता हूं कि जो मैंने ये लाइन लिख दी इसको कोई एडिट ना कर सके, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे रिव्यू में जाएं, जो रिव्यू टैब है यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन, आप इसको मार्क करें। तो जो इसने एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस दी हुई है दैट इज नो चेंज रीड ओनली, रीड ओनली के लिए है। आप उसके बाद यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये आपसे पासवर्ड पूछेगा। लेट्स सपोज मैंने इसमें पासवर्ड एंटर किया, ओके। और उसके बाद जैसे मैंने ओके किया तो एक यहाँ पे मैसेज आया कि आपका जो पासवर्ड है कंफर्म नहीं किया, तो आपने साथ में कंफर्म वाला पासवर्ड भी, मतलब सेम पासवर्ड यहाँ पे भी एंटर करना है और ओके। उसके बाद आप इस पेज पे एडिट नहीं कर सकते, आप कोई भी की प्रेस करके देखें तो इसमें टाइप नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो जो आपने फाइल बनाई हुई है वो उस फाइल को कोई भी एडिट नहीं कर सकेगा। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि जैसे अगर सपोज जो ये फाइल मैंने बनाई है इसको सेव करूं, और सेव करने के बाद अगर कोई भी पर्सन इसको ओपन करे तो उससे पहले ये पासवर्ड पूछे, तो उस वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप क्या करें, पहले तो इस फाइल को सेव करें। सेव सेव करने पे आपका यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है कि टूल्स में जाके जनरल ऑप्शंस पे जाना है और यहाँ पे आता है पासवर्ड टू ओपन। तो यहाँ पे आप पासवर्ड रख सकते हैं कि ओपन होने, जब फाइल ओपन हो तो क्या पासवर्ड पूछे आपसे। पासवर्ड आपने इसमें रख दिया, ओके करें तो कंफर्म करेगा ये पासवर्ड, ओके करें तो आपने ये पासवर्ड लगा दिया। और उसके बाद आप यहाँ पे फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सेव कर दें। लेट्स सपोज मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया, जैसे मैंने इसको सेव किया माई फाइल नेम से, और सेव पे आप क्लिक कर दें तो आपकी ये फाइल सेव हो गई। अब सपोज आप एमएस वर्ड को बंद कर दें, मैंने बंद कर दिया इसको। अब यहाँ पे आपकी ये फाइल पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे, आप इसको ओपन करें, इस पे डबल क्लिक करें। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल ओपन होगी, लेकिन ओपन होने से पहले ये यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा। अगर आप अब इसमें पासवर्ड एंटर करते हैं जो आपका एक्चुअल पासवर्ड है और ओके करेंगे तभी ये आपकी फाइल ओपन होगी, अदरवाइज ओपन नहीं होगी। और ये रिस्ट्रिक्टेड भी है क्योंकि इसमें मैंने एडिटिंग का भी पासवर्ड लगाया था। तो अगर आप चाहते जो एडिटिंग के लिए लगाए हुए है वो भी आपने रोकना है, तो यहाँ पे आपका जो ये इसको टास्क पेन कहते हैं, यहाँ पे ये आपका अपेयर हो रहा है। यहाँ पे आपने स्टॉप प्रोटेक्शन पे जाना है और यहाँ पे जो इसका पासवर्ड था वो एंटर करें और ओके, तो उसके बाद आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम शीट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और फाइल को भी पासवर्ड लगा सकते हैं। थैंक यू। Thank you.